करेंगे। चलो ओके बच्चों, देखो तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस किया था पहले वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन हमारा किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, ओके। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बहुत सारे थे, बहुत अलग अलग वेराइटीज थी डिफेक्ट्स की, उसके बारे में हमने बात की थी। तो दोबारा से उसको जरा एक बार रिवाइज करते हैं। डिफेक्ट्स को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन से थे? पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स, ठीक है। एक पॉइंट पे हो सकता है, एक पूरी लाइन में डिफेक्ट हो सकता है, और एक पूरे प्लेन में डिफेक्ट हो सकता है, जो 2D में हमने पढ़ा था, राइट। पॉइंट डिफेक्ट को वी हैव फर्दर क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स, स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में अगेन देयर वर फोर टाइप्स, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉटकी एंड फ्रेंकल, ठीक है ना। इसमें से जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो खास एक अलग नाम से भी बताए गए थे, दैट वाज शॉटकी एंड फ्रेंकल, है ना। उसके बारे में थोड़ा ज्यादा वापस एक बार रिवाइज करके बात कर लेते हैं। शॉटकी डिफेक्ट क्या था? पेड कैटायन एनायन डिफेक्ट था। शॉटकी डिफेक्ट क्या था? मतलब शॉटकी डिफेक्ट एक वैकेंसी का ही एक वैरायटी था, बोलो यस और नो। यस, शॉटकी डिफेक्ट जो है वो एक्चुअली वैकेंसी का ही एक वैरायटी है। और फ्रेंकल जो है वो किसका वैरायटी है? वो इंटरस्टिशियल का एक वैरायटी है ना। देखो फ्रेंकल क्या था? इंटरस्टिशियल का एक वैरायटी था। तो टेक्निकली देखा जाए तो शॉटकी वॉज नथिंग बट अ टाइप ऑफ वैकेंसी एंड फ्रेंकल वॉज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ पर AGBR आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है AGBR, ठीक है। तो उस तरह से उसको भी याद रखना बोला, रखने बोला था कि इसमें शॉटकी भी दिख सकता है और फ्रेंकल भी दिख सकता है, यानी दोनों टाइप के डिफेक्ट दिखते हैं इसमें। तो ये जो क्रिस्टल है ये काफ़ी परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, ये इसमें काफ़ी टाइप के डिफेक्ट्स दिख सकते हैं और वैकेंसी भी दिख सकता है, फ्रेंकल भी दिख सकता है, यानी शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दिख सकता है। वन ऑफ द यूनिक MCQ क्वेश्चन इससे बनता है कि कौन सा क्रिस्टल है जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट। AGBR अच्छा क्रिस्टल नहीं है टेक्निकली बोला जाए, क्योंकि इसमें डिफेक्ट्स काफी सारे दिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले कैटेगरी पे, हमारा जो है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट काफी सिंपल है बच्चों, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। इंप्योरिटी डिफेक्ट नाम से क्या पता चल जाएगा? जहां पर फॉरेन एटम्स होंगे, यानी कि जो ओरिजिनल है उसके अलावा फॉरेन एटम्स होंगे। Now please understand when I say the word impurity, what comes to your mind is, जो last time हमने discuss भी किया था कि भाई जब हम लोग metal के ores निकाल रहे हैं तो gang निकलता है, तो आपके दिमाग में impurity के नाम पे gang आता है, correct है? But ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि अगर मेरे को iron का ore लाना है, किसका? iron का, suppose एक example ले लूँ कि भाई मैं iron का ore निकाल रहा हूँ, जैसे Fe2O3 hematite का ore निकाल रहा हूँ, उसमें गोल्ड भी आ जाए ना तो गोल्ड इंप्योरिटी है वहां पे। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल हु मे आर्ग्यू कि अरे सर गोल्ड तो यूजफुल चीज है, उसमें से निकाल के यूज, हाँ निकाल के यूज करेंगे, बट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल और दैट पर्टिकुलर ओर और दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल इज इट एन इंप्योरिटी? भले वो कितना भी वैल्यूएबल हो बट उस ओर या उस क्रिस्टल के लिए तो वो कचरा ही है ना, ठीक है। तो अपने को वैल्यू ऑफ द थिंग या वो चीज यूजफुल है या नहीं उस हिसाब से नहीं जज करना। This was the original crystal. This is something new, something foreign. That is impurity. Think of it this way. I hope ये समझ में आया मैंने जो example दिया बच्चों। तो sodium chloride के crystal में अगर कुछ और आ गया, जैसे carbon आ गया, कुछ भी आ गया, impurity है भाई, ठीक है। There are two types of impurities. Again, there are two types and very simple ones. जो हमारा interstitial था वैसे ही similar आपको यहाँ पे फंडा समझ में आएगा। Two kinds of impurity defects. कौन से? सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होगा कि जो ओरिजिनल एक कोई एक एटम या जो पार्टिकल था उसको हटा के अब इम्प्योरिटी आ गई, तो सब्स्टिट्यूट किया उसको, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल का डेफिनेशन, अब ये डेफिनेशन भी आपको बोर्ड्स में आपके थियोरी के लिए पूछा जाता है, तो डेफिनेशन यहाँ पर मार्क करके रखेंगे। इन
तो अगेन यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन में कि भाई पहले वैकेंसी क्रिएट हुई फिर वो रिप्लेस हो गई, ऐसा देख सकते हो। इसमें होता क्या है, इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइट्स इन प्लेस ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब ओरिजिनल एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल्स और एलॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रास इज कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज कॉपर एंड टिन, ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है जिसमें बचपन से बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास ब्रॉन्ज, तांबा और पीतल पता है ना, कॉपर इज तांबा, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। देखो तो दिस इज कॉपर प्लस जिंक, दिस इज कॉपर प्लस टिन। हाउ टू रिमेंबर, इजी वे, इसमें जेड है तो इसमें जेड नहीं है, सबसे आसान तरीका, एस और जेड का गेम है पूरा। ब्रास में जेड नहीं है ना तो उसको जिंक मिला, ब्रॉन्ज में जेड है तो उसको टिन मिला, समझे कि नहीं समझे, बेस्ट वे टू रिमेंबर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे लिख के रख देना अपने टेक्स्ट बुक ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ब्रास में कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है। इन ब्रास कॉपर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय जिंक एटम्स, ब्रास में क्या होता है कि ओरिजिनली, सो द ओरिजिनल मेटल देयर वाज कॉपर, कॉपर में जिंक डाला है, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। और जो लैटिस था उसका कोई जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, कॉपर हटाया जिंक डाला, कॉपर हटाया जिंक डाला, ये क्यों पॉसिबल हुआ, थोड़ी सोचने वाली बात है। और ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मैंने करवाया हुआ भी है, कॉपर इज नंबर 29 आपको पता है, जिंक इज नंबर 30, ये काफी क्लोज है, तो एक दूसरे से साइज में मास में काफी क्लोज है। इसका मास 63.5 यूनिट्स होता है ग्राम पर मोल और इसका 65.4 होता है, काफी नजदीक है, राइट। तो ये बिकॉज ये काफी नजदीक है तो ये काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी कि भाई एक की जगह पे दूसरा लगा दिया तो ज्यादा उतना ये नहीं आ रहा, डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से अभी आपको लॉजिकली इसको सोचना है बच्चों, राइट। चलो मार्किंग करके लो, इंपॉर्टेंट है कि कॉपर जो है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है, किसमें, ब्रास में, ओके। वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटी, नेक्स्ट ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, एलियोवेलेंसी पहली बार सुना होगा, एलियोवेलेंट। अब बच्चों ये बताना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको कई बार कुछ ऐसे एटम्स या कुछ ऐसे आयन्स बताए हैं जिसकी मल्टीपल वैलेंसीज पॉसिबल है, जैसे एक एग्जांपल कि आयन में 2+ और 3+ पॉसिबल है, कॉपर में 1 और 2 पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे हैं ना, अलग अलग, राइट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जब बोलते हैं कि मल्टीपल वैलेंसीज की बात करें या ऑक्सीडेशन, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, जिसमें ओरिजिनल जो नेचुरली अवेलेबल है या जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग एलियोवेलेंट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलियोवेलेंट स्टेट। पहले तो ये समझ लो, पहले ये वर्ड समझ लो क्या होता है, फिर आपको ये इजीली लगे समझ में आएगा। एलियोवेलेंट आयन्स क्या होते हैं, दैट इज आयन्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन द होस्ट आयन्स। तो एलियोवेलेंट मतलब बहुत सिंपल भाषा में कहें तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले आयन्स सिमिलर होने चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो सिमिलरिटी होनी चाहिए, पर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वैल्यू जो नंबर है वो अलग होना चाहिए, उनको एलियोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। कम्स फ्रॉम द वर्ड एलो ओनली, मतलब कि नॉट टू डिसिमिलर वैसा। सो ऐसी केस में अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है, ऐसे केस में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो इसको हम लोग कहते हैं, एक स्पेशल केस है ये, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि अच्छा इसको कौन से कैटेगरी में रखूं, इसको इम्प्योरिटी में डालूं कि वैकेंसी में डालूं, ये भी एक सवाल आता है कि नहीं। तो अगर सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वैकेंसी में डालोगे,
अगर सब्स्टिट्यूट हुई तो इंप्योरिटी मिटा। तो इन्होंने यहां पर आपको एक ऐसा स्पेशल केस ये मेंशन किया, आप देख सकते हो एक अलग पैराग्राफ, एक अलग स्पेशल केस मेंशन किया हुआ है, राइट। नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व बच्चों कि यहां पर ये खाली जगह पड़ी है, वैकेंसी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वैकेंसी का एक टाइप बोलूंगा। यहीं पर इसकी जगह पे कुछ नया आ जाता तो मैं क्या बोलता, इसको इंप्योरिटी का एक टाइप बोलता। क्या ये बात सिंपल समझ में आ गई सबको? ठीक है, बहुत सिंपल है, पर यहां पर आपको डेफिनेशन जो है वो मार्क करके लेना है। पहली बात तो व्हाट इज एलियोवेलेंट, ये एक मार्क के लिए वो शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि भाई एलियोवेलेंट आयन क्या होता है, तो सिंपल आयन्स दैट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन द होस्ट आयन्स। और ओवरऑल एक डेफिनेशन जो है वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंसी का भी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है, डिफाइन या स्टेट व्हाट इज, है ना, वैसे। तो ये मार्क करके रखना है। अगेन एक बहुत ही डिफिकल्ट सा डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपको नोट करने जैसी वर्थ है, ध्यान से देखना। यहां पर वैकेंसी क्रिएट हुई वो तो ठीक है, और यहां पर सोडियम की जगह पे देखो उन्होंने स्ट्रॉन्शियम डाल दिया, तो स्ट्रॉन्शियम क्या एलियोवेलेंट हुआ? सोडियम से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, प्लस वन था सोडियम का, स्ट्रॉन्शियम का प्लस टू है, तो ये एलियोवेलेंसी हुई। तो वैकेंसी भी हुई है और एक रिप्लेसमेंट भी हुआ है, बात को समझो। आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे? तो भाई यहां पर Na+ था और यहां पर भी Na+ था ओरिजिनली, तो अब दोनों में से एक जगह को खाली छोड़ दिया और एक जगह पे 2+ कर दिया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। बोलो हाँ कि ना, समझना ध्यान से। Sr2+ में दो Na+ निकाल दिया और एक Sr2+ डाल दिया, चार्ज तो बैलेंस हो गया ना बॉस, लेकिन एक, हाँ, तो इलेक्ट्रिकली आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी तुरंत कि अच्छा ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जो डेंसिटी है उसमें फर्क आने चाहिए, क्योंकि यहां पर जब बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डाला है तो एक वैकेंसी रह जाएगी, है कि नहीं? अगर यही सोडियम की जगह मैं दो सोडियम हटा के दो पोटेशियम डालता तो चार्ज भी मेंटेन रहता और वैकेंसी भी नहीं होती, तो उसको मैं चुपचाप इंप्योरिटी में डाल देता, बात खत्म हो जाती, उसको अलग स्पेशल कैटेगरी में नहीं डालना पड़ता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? यस। NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम का आयन डाल दिया, इंप्योरिटी में डाल दिया, करेक्ट। तो यहां पर ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर एवरी Sr2+ 2Na+ आर रिमूव, दो Na+ निकालेंगे तो एक Sr2 आएगा, एंड वन ऑफ द वेकेंट साइट्स क्रिएटेड बाय रिमूवल इज ऑक्यूपाइड बाय Sr2, द अदर रिमेन्स वेकेंट, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये पार्ट आप पूरा मार्क करेंगे एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। द डायग्राम इज फेयरली सिंपल, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। NaCl का क्रिस्टल है, दो Na+ गायब हुए थे, एक की जगह पे Sr2+ आया था और दूसरी जगह खाली रह गई थी। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीबडी? यस। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। इन दिस डिफेक्ट impurity atoms will occupy the interstitial spaces. Now this is, ये आपको अभी ये बच्चों का खेल है आपके लिए, आपको समझ में आ चुका है कि interstitial का मतलब क्या है, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। For example, in steel, iron atoms occupy normal lattice sites and carbon is present at interstitial spaces. ये तो आपको पता ही है बच्चों, देख लो डायग्राम अगेन, काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल, ठीक है। इस चैप्टर में डायग्राम्स का इतना कोई टेंशन नहीं है आपको, डायग्राम्स है, डिफेक्ट्स वाले डायग्राम्स स्पेशली आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरह से आयन ने पूरा का पूरा लैटिस क्रिएट किया और कार्बन ने बीच बीच में जाके उसके जो खाली स्पेसेस थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया। बाय द वे, ये जो अरेंजमेंट आपको सामने दिख रही है ये कौन से टाइप की दिख रही है बच्चों, देख सकते हो? ये AA टाइप की दिख रही है ना, क्योंकि सारे स्फीयर एक के नीचे एक है, सबकी स्फीयर के सेंटर जो है वो एक लाइन में, ठीक है। ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए बनाई है,
ठीक है। तो ये डायग्राम देख के ऐसा कुछ याद करके बस चले जाना कि आयन का स्ट्रक्चर AA टाइप होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो हम लोग अभी अभी जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपको समझेगा कि कौन से वाले क्रिस्टल्स कौन से टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर एक नॉन मेटल है कार्बन जो आयन के अंदर डाला जाता है, उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती है क्या बच्चों? सोचो, आपके घर में स्टेनलेस स्टील का चम्मच है जिससे आप खाना खाते हो, वो मैग्नेट में चिपकता है कंपलसरी? आयन तो मैग्नेट में चिपकता है, बट स्टेनलेस स्टील हमेशा चिपकेगा क्या? नहीं, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती है इम्प्योरिटी आने से। क्योंकि अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की हर बार बात किए थे, हम लोग डेंसिटी की बात किए थे, बट इम्प्योरिटी डिफेक्ट आने से मेटल में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती है, एक पॉइंट दिमाग में रखना, है ना। ओके, नेक्स्ट लास्ट वी गो टू नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हो गया, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गया, अब आते हैं हम लोग नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। मैं पहले इसका डेफिनेशन जो है वो अलग कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझ। ये डिफेक्ट्स कब होते हैं? When the ratio of number of atoms of one kind to that of the other kind, or the ratio of number of cations to anions becomes different than the one than the one indicated by original chemical formula. In short, stoichiometry of the compound is changed. एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि NaCl का क्रिस्टल है, आप बोलोगे ठीक है भाई, NaCl ये कंपाउंड है, NaCl ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी स्टोइकियोमेट्री ऐसा बोलती है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, मैंने एक क्रिस्टल में नहीं बोला, मैंने एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम और एक क्लोरीन होना चाहिए, बात सही है, है ना। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री बोलती है मेरे को नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पता होना चाहिए। अगर फॉर सम रीजन, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्रिस्टल लैटिस और बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट, दिस रेशियो स्टार्ट्स चेंजिंग और फ्लक्चुएटिंग, देन दैट विल बी कॉल्ड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टू टाइप्स, मेटल डेफिशिएंसी पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब वही ना, फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, वैसे वाले, ठीक है, ये पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा है मेटल एक्सेस, पहला है मेटल डेफिशिएंसी, दूसरा है मेटल एक्सेस। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि अच्छा, डेफिशिएंसी और एक्सेस, अगर इंग्लिश के माध्यम से हम लोग देखें, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो डेफिशिएंसी और एक्सेस शुड टेक्निकली मीन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल ओनली। बोलो हाँ कि ना। डेफिशिएंसी शुड इंडिकेट वैकेंसी, एक्सेस मतलब ज्यादा आ गया तो इंटरस्टिशियल या इंप्योरिटी, उसी की तरह हो गया। बट ये किसके लिए अप्लाई किया? स्पेसिफिकली मेटल्स के लिए अप्लाई किया। तो बहुत बड़ा कुछ नया नहीं है, ये वही जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े, बस उसको अप्लाई अब किसके लिए किया? अब स्पेशली मेटल्स के केसेस के लिए अप्लाई कर दिया। पहले किसी के लिए भी एप्लीकेबल था, अब किसके लिए एप्लीकेबल है बॉस? मेटल्स के लिए। तो मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस बोला, क्या ये बात जा रही दिमाग में? यस, ठीक है। तो यहां पर देखना, इन सम क्रिस्टल्स पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट्स, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ द सेम मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोलोगे सर ये तो एलियोवैलेंसी जैसा ही हो गया यार, फर्क क्या आया? एलियोवैलेंसी में दूसरा कोई एलिमेंट आया था, यहां पर वेरिएबल वैलेंसी, मैंने ये वर्ड समझा है ना, वेरिएबल वैलेंसी किसके लिए एप्लीकेबल है? सेम एलिमेंट के लिए। एलियोवैलेंसी किसी के लिए भी एप्लीकेबल, क्लियर हो गया है कि नहीं? तो जब एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहां पर निकल है, तो ये सब निकल कौन से वाले? ये 2+ वाले निकल है, सारे के सारे कौन से वाले? 2+ वाले निकल है। अगर उसमें से एक निकल गायब हो गया, उसमें से कोई एक निकल का आयन गायब हो गया, तो यहां पर अगर हम देखें कि ये Ni2+ अगर है हमारे पास, तो ये 2+ वैलेंसी वाला निकल है आयन, ठीक है। ये अगर मिसिंग हो गया, ये अगर मिसिंग हो गया,
और इसकी जगह पे निकल का ही कोई अलग वेरिएंट आया। इसकी जगह पे क्या हुआ, निकल का ही कोई अलग वेरिएंट आया, तो कैसा फंडा होगा? अब जरा समझना यहां, प्लीज समझना ध्यान से, थोड़ा सा ये आपको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। एक, दो और तीन, तीन जगह से Ni2+, Ni2+, Ni2+ निकाल दिया, समझ में आई बात? तो प्लस सिक्स चार्ज निकल गया। अभी तीन स्पेस में से दो जगह पे Ni3+, Ni3+ वाला आ गया, तो प्लस सिक्स चार्ज रिप्लेस भी हो गया, चार्ज पूरा रिप्लेस हो गया, लेकिन एक, हाँ लेकिन एक जगह खाली रह गई। विच वन कैन यू कंपेयर दिस टू, चेक, कैन यू कंपेयर इट टू दिस, कैन यू कंपेयर इट टू दिस वन? यहां पर एलियोवेलेंट डाला था, यानी कि सोडियम की जगह पे स्ट्रॉन्शियम डाला था, और फर्क कहां पे आया, इधर आपने सेम एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी वाला, एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। चार्ज दोनों जगह बैलेंस किया था हमने, वो चार्ज को बैलेंस करने के चक्कर में एक जगह खाली रह गई थी, ठीक है बच्चों? और वो जो जगह खाली रह गई उसी को आप मेटल डेफिशिएंसी कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अब ये ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी हमको समझ में आ गई, वैकेंसी समझ में आ गई, चार्ज बैलेंस हुआ ये भी समझ में आ गया, पर ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कैसे हो गया? ये सवाल आएगा आपके दिमाग। तो अब आप देखोगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आप, तो कैन आई से द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड निकल हैज द रेशियो ऑफ जितने निकल के आटम्स थे और जितने निकल के आयंस थे और जितने ऑक्सीजन ऑक्साइड के आयंस थे, वो चेंज हो गया ना, तो रेशियो बदल गया कि नहीं बदल गया? तो ओरिजिनली अगर NiO था तो अब Ni थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा ड्रास्टिकली नहीं कि Ni हाफ हो गया, ऐसा नहीं, कितना कम हुआ देखो, 0.03 कम, समझ रहे हो बात को? तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो थोड़ा सा चेंज हुआ, 0.99, 0.98, 0.97 ऐसा हो जाएगा, बट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट वन वैकेंसी, वन डेफिशिएंसी। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो था या नंबर ऑफ आयंस का जो रेशियो था वो बदल गया। तो यहां पर NiO यानी कि जब निकल के ऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पर उस वैकेंसी की वजह से, ठीक है, जो भयंकर स्पेलिंग आपकी टेक्स्ट बुक जिसके लिए फेमस है वैकेंसी, ठीक है, उसको चेंज कर लेना, वैकेंसी की वजह से वो जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो बदल गया है। खास करके आप अगर ये वाला एग्जांपल याद रख लो, निकल के ऑक्साइड में NiO की जगह नाउ इट बिकम्स Ni 0.97 और O1, मतलब पहले 1:1 रेशियो था, अब 0.97:1 रेशियो। नहीं, ये वन ऑफ द डिफेक्ट्स दैट इज फाउंड है। अच्छा सवाल है, जरूरी नहीं कि NiO के हर क्रिस्टल में ये डिफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं, दिस इज वन ऑफ द probable ones that are commonly found, ठीक है, ऐसा कोई compulsion नहीं कि निकल के ऑक्साइड के हर क्रिस्टल में डिफेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, okay, then you have metal excess, उल्टा, एक metal deficiency था, एक metal excess भी आ जाएगा ना, a neutral atom or extra positive ion occupies इंटरस्टीशियल पोजीशन, ये पहला टाइप। अभी मेटल एक्सेस के भी दो टाइप्स हैं, एक तो या तो न्यूट्रल एटम या पॉजिटिव आयन इंटरस्टीशियल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा एनायन वैकेंसी, ठीक है, लास्ट टू टाइप्स। We'll finish this. तो मेटल एक्सेस के डिफेक्ट्स का पहला टाइप क्या है? A neutral atom or a positive ion
ऑक्यूपाइज इंटरस्टीशियल पोजीशन। इसमें उन्होंने एग्जांपल लिया है जिंक के ऑक्साइड का, ZnO। अगेन दिस हैज द टू टाइप्स। देखो, इन फर्स्ट केस इन ZnO लैटिस वन न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टीशियल स्पेस। तो आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आएगा कि सर अगर ये इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट है और जिंक का ही है, कोई नए टाइप का नहीं है, तो इसको तो आप इंटरस्टीशियल ही बोलो ना। करेक्ट है, इसको आप इंटरस्टीशियल ही बोलो। तो पहले हमने जो इंटरस्टीशियल कवर किया था, हम वो क्यों नहीं बोल रहे? फर्क समझो, थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझ लो। सेल्फ इंटरस्टीशियल में, ठीक है, सेल्फ इंटरस्टीशियल में एलिमेंटल फॉर्म में बात कर रहे थे हम, कंपाउंड के फॉर्म में बात नहीं कर रहे थे। मैंने ये वर्ड मार्क किया, देख लो ध्यान से, करेक्ट है। सेल्फ इंटरस्टीशियल में हम लोग एलिमेंटल फॉर्म में बात करते हैं। ZnO एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। ये क्लियर हो गया, तो अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे ठीक है, तो फिर फ्रेंकल में क्यों नहीं डाल रहे हो इसको आप, क्योंकि फ्रेंकल में भी तो यहां पे इंटरस्टीशियल की ही बात है। आयन्स इन एन आयोनिक कंपाउंड है ना, तो आयन जब मिसिंग होगा वो भी फंडा है। तो अगेन यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एक यूनिक कैटेगरी बन रही है, जहां पर मेटल का एटम, पहली बात तो मेटल का एटम मेटल के आयन को रिप्लेस कर रहा है, मेटल के आयन के स्ट्रक्चर के अंदर बीच में इंटरस्टीशियल में घुस रहा है, रिप्लेस भी नहीं कर रहा उसको, रिप्लेस करता वो तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाता, समझ रहे हो। जिंक के आयन्स का पूरा लैटिस है, उसके इंटरस्टीशियल स्पेस में जिंक का एटम घुसा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फंड है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इंटरस्टीशियल स्पेस में जिंक एटम इज प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन आपके पास है इन सेकेंड केस, When ZnO is heated, it decomposes as ZnO gives Zn 2 plus plus half O2 plus 2 electrons. This excess Zn 2 plus ions are trapped in the interstitial site in the lattice. Right? यानी कि अब वो हीटिंग वीटिंग पे मत जाओ, सिंपल भाषा में समझो कि यहां पर जो Zn 2 plus के ions थे, Zn 2 plus के जो ions थे वो इंटरस्टीशियल स्पेस में, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू विच वन, ये इंटरस्टीशियल का ही एक टाइप हो गया कि नहीं हो गया? जिंक के ही आयन्स थे और उसी के टाइप के, सेम टाइप के आयन्स उसी को इंटरस्टीशियल एरिया में ऑक्यूपाई कर, करेक्ट है। ध्यान से सुनना, पहले वाले में क्या हो रहा था, जिंक के आयन्स थे और यहां पर एटम था, और यहां पर क्या है, जिंक के आयन्स थे सब जगह पे और यहां पर भी जिंक का आयन है, तो ये दोनों इंटरस्टीशियल में आ सकते हैं, नो डाउट इंटरस्टीशियल में आ सकते हैं। खाली जिंक होता, एलिमेंटल होता तो अपन उसको पहली वाली कैटेगरी में डालते, यहां पे कंपाउंड है इसलिए इस कैटेगरी में डाला है। तो यहां पर अगेन सिंप्लीफाइड वर्जन विल बी टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन विच फर्स्ट वन न्यूट्रल एटम उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा जिसमें आयन उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सिंपल वर्जन तो यही हो गया कि टाइप वन टाइप टू क्या ऐसा रहेगा, यहाँ पर न्यूट्रल एटम इसको ऑक्यूपाई कर रहा है, किसको, इंटरस्टीशियल स्पेस को, और यहाँ पर आयन ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरस्टीशियल स्पेस को। क्या ये बात क्लियर हुई? एक वर्ड में अगर मुझे आंसर देना हो, वन वर्ड आंसर, टाइप वन इज न्यूट्रल एटम डाला, टाइप टू इज आयन डाला, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ओके, इन बोथ केसेस द स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ जिंक इज वन प्लस एक्स जिंक का और ओ का वन। अभी वो वन प्लस एक्स क्या है, मतलब कैन बी एनी वेरिएशन। जिंक आया ना इंटरस्टीशियल स्पेस में, नाउ देयर आर स्पेसिफिक कैलकुलेशंस ऑफ हाउ टू कैलकुलेट दैट, कि भाई 1.01 होगा कि 1.02 होगा, 1.03 होगा, वी डोंट हैव दैट, दे हैव जस्ट गिवन यू अ जनरल आइडिया कि जैसे यहां पर
निकल का कम हो रहा था ना, वन से कम हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही यहां पर बिकॉज ये डेफिशिएंसी हुआ था तो निकल का वन से कम हो गया था, तो एक्सेस जब होगा तो जिंक का वन से ज्यादा हो जाएगा। सिंपल, इतना आपको फंडा याद रखना, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? फंडा, डेफिशिएंसी में मेटल का वैल्यू जो स्टोइकोमेट्रिक था वो ओरिजिनल से थोड़ा कम हो गया, और इसमें एक्सेस में ओरिजिनल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बस इतना फंडा याद। और एक चीज, टाइप टू में जब आयोन्स आए थे तो आयोन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। टाइप वन और टाइप टू में ये भी एक मेजर फर्क है, टाइप वन में न्यूट्रल एटम आया था, टाइप टू में आयोन्स तो आए थे, साथ साथ और क्या आया था बच्चों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए थे, जो आपको यहां पर रेड कलर में दिख रहे होंगे अभी आपके स्क्रीन पे, करेक्ट। तो जब वो एटम ऑब्वियसली जब आप स्प्लिट करते हो उसको तो Zn2+ बना, तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो भी साथ में आ गए इस तरह से। ये नेक्स्ट जो कैटेगरी है काफी यूनिक है, आखिरी, बहुत सारे वैकेंसी, बहुत सारे डिफेक्ट्स हो गए ना, ठीक है, लास्ट वाला यहां देखते हैं। लास्ट वाला है, ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये कलर इंपार्टिंग डिफेक्ट होता है। क्या होता है ये? कलर इंपार्टिंग डिफेक्ट। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्रिस्टल में एक खास आपको कलर दिख के आता है, ठीक है, ये समझ। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट इंपार्ट्स कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल। अब जैसे NaCl सफेद कलर का सॉल्ट होना चाहिए, बट हम लोग जब इम्प्योर NaCl देखते हैं वो ज्यादातर हम लोगों को कलर्ड फॉर्म में मिलता है, करेक्ट है। तो यहां पर क्या होता है कि भाई अगर कोई इंप्योरिटी आ गई, NaCl का मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सर्फेस, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच इन डेप्थ इन टू दिस, सिंपली जस्ट मार्क एंड जस्ट रीड इट। क्लोराइड आयन्स डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सर्फेस क्रिएटिंग वैकेंसीज एट देयर रेगुलर साइट्स, दीज क्लोराइड आयन्स कंबाइंड विद Na ऑन द सर्फेस टू फॉर्म NaCl, देयर बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम, द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई वेकेंट साइट्स ऑफ एनायन्स एज शोन। द एनायन वेकेंट साइट्स ऑक्यूपाइड बाई द इलेक्ट्रॉन्स आर द एफ सेंटर्स और द कलर सेंटर्स। कलर सेंटर्स को हम लोग एफ सेंटर्स भी कहते हैं, ठीक है। जरा फंडा समझना क्या बोलता है। पहली बात तो यह कि एनायन बड़ा होगा कैटायन छोटा होगा, ये आपके दिमाग में सबके दिमाग में क्लियर है, बहुत बार बता चुका हूं। तो ये बड़ा वाला जो है ये एनायन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोराइड, और ये जो छोटू वाला है, आजकल लोग कश्मीरी बच्ची का वीडियो बहुत फेमस हो गया ना, छोटू बच्चे और बड़ू बच्चे, देखा आप लोगों ने, वैसे ये छोटू आयन्स और बड़ू आयन्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये जो बड़े वाले हैं ये एनायन्स हैं और छोटे वाले जो है ये कैटायन्स हैं। और इसमें होता क्या है, जब आप क्रिस्टल को हीट करते हो ना, थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा समझना, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इनके कहने का मतलब ये कि जब हम लोग क्रिस्टल को हीट करते, क्रिस्टल एज अ होल उठा के, जैसे सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया मैंने, उसको फ्लेम पर हीट किया, तब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ द आयन स्टार्ट्स। जब हीट करते हो तो क्या होता है, आयन्स का क्या होने लगता है, माइग्रेशन, आयन यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जो आपने फिजिक्स में किया थर्मल एक्सपेंशन के नाम पे, किया ना आपने फिजिक्स में, भाई कोई चीज़ को हीट करो तो उसके जो एटम्स हैं वो यहाँ वहाँ वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है वगैरह। तो यहाँ पर आप वही लॉजिक से सोचोगे कि जब मैंने ये क्रिस्टल को लिया, मैंने हीट किया, तो इसके जो आयन्स हैं उनकी मूवमेंट चालू हुई, और आयन्स किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू गो टू द सर्फेस, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आयन सरफेस पे माइग्रेट करते हैं ना, तो अंदर जगह बच जाती है खाली, अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर बचे हुए,
तो वो उस वैकेंसी को जाके ऑक्यूपाई करते। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने जैसी होगी कि इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को अगर ऑक्यूपाई कर भी रहा है, चार्ज को शायद कॉम्पेंसेट कर लेगा, मास को कॉम्पेंसेट कर पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं। तो वो एक वैकेंसी साइड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये आर्ग्यू करते हैं, सर क्लोराइड गया तो इलेक्ट्रॉन आया ना, हाँ तो चार्ज कॉम्पेंसेट हुआ लेकिन मास तो कॉम्पेंसेट नहीं हुआ ना बॉस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मास काउंट होता है। आप बोलोगे हाँ बराबर है ना। तो हुआ ये कि जब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन ने ये खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, इस खाली वैकेंसी को वी कॉल्ड इट एट दी एज दी एफ सेंटर और द कलर सेंटर, उसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर। ठीक है, नाउ ये जो एफ सेंटर है, अगर ये प्रेजेंट है किसी क्रिस्टल के सेंटर में या किसी क्रिस्टल के अंदर, तो वो क्रिस्टल पर्टिकुलर कलर्स दिखाएगा। जैसे कि एग्जांपल, NaCl शोज येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, यानी NaCl का क्रिस्टल अगर पीला है, येलोइश है, तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर एफ सेंटर बना हुआ है। अगेन प्लीज नोट, आई एम नॉट सेइंग कि हर NaCl के क्रिस्टल में एफ सेंटर बनेगा ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर एफ सेंटर बन रहा है या बना है तो आपको येलो डिस्कलरेशन दिखेगा। ऑल्सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द फ्लेम टेस्ट, वो अलग है, वो हमने किया था एस ब्लॉक में, कि अलग अलग आयोन्स अलग अलग फ्लेम कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लेम, वो एलिमेंट्स की बात हो रही थी, उसको छोड़ दो, यहाँ पर क्रिस्टल की बात हो रही है, कंपाउंड की बात हो रही है ना। कोई एक क्रिस्टल मेरे पास है, उसके अंदर अगर ऐसे खाली जगह बन गई, वैकेंसी बन गई, जिस वैकेंसी को किसने ऑक्यूपाई किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ने आके ऑक्यूपाई किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ सेंटर बोलेंगे, और उस वजह से क्या बनेगा? कलर बनेगा क्रिस्टल। क्या ये बात दिमाग में सबके गई? बोलो हाँ। ठीक है, ध्यान से सुन लो। तो क्रिस्टल में क्लोराइड गया था और इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई किया था, तो क्लोराइड गया था तो Na ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। यहां पे देखो क्या मिसिंग था, ऑरेंज वाला मिसिंग था ना, एक नेगेटिव आयन मिसिंग था ना, एनायन, क्लोराइड गया तो ओवरऑल Na की क्वांटिटी बढ़ गई बॉस। तो फिर से अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो देखूं NaCl में, इन दिस केस सच अ क्रिस्टल विल हैव एक्सेस Na एंड द नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला NaCl का बन जाएगा Na 1 + XCl। बट हम लोग कभी लिखते हैं कैसा? नहीं, हम लोग NaCl ही लिख देते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग स्टोइकोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं उसको, नॉर्मल तरीके से NaCl, एक सोडियम एक क्लोरीन। बट जब उसमें डिफेक्ट आएगा ऐसा वाला, तो सोडियम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो क्या मैं उसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक बोल सकता हूँ उस वक्त? यस, है ना। तो ये हुए आपके सारे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, खास करके इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आज हमने पढ़े, उनके बारे में बात की, और मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस, और एक यूनिक वाला हमने किया एलियोवेलेंट वाला। ठीक है ना, तो ये सारे डिफेक्ट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट योर थियरी पेपर्स, जब आपके बोर्ड्स या थियरी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट योर एंट्रेंस, ठीक है, आपके एमसीक्यूज की अगर आप बात करो, तो एग्जाम्पल्स जितने भी हमने मार्क किए हैं, एग्जाम्पल्स, यूनिक एग्जाम्पल्स, वो आपके सबसे ज्यादा बार एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, जैसे कि निकल है तो उसका नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, जिंक है तो उसमें कौन से टाइप का डिफेक्ट दिखेगा, जिंक ऑक्साइड है तो कौन से टाइप का डिफेक्ट दिखेगा, AgBr है तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कि उसमें दोनों फ्रेंकल शॉट की दिखता है, डेंसिटी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है कि नहीं होती है, ऑल दोज पॉइंट्स दैट वी हैव मार्क्ड, ठीक है, दोज विल बी आस्क्ड इन योर MCQs। तो हर एक पॉइंट आई होप आप सबने मार्क किया और ध्यान से समझा है। ये हो गया हमारा डिफेक्ट्स, लास्ट पार्ट खत्म करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। नाउ एक्चुअली स्पीकिंग ये जो है आपका फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में पूरे पूरे चैप्टर डेडिकेटेड है इस पे, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे पूरे पूरे चैप्टर डेडिकेटेड है, कंडक्शन पे, जैसे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर, और लास्ट आपको एक सेमी कंडक्टर्स नाम का भी एक चैप्टर आता है अलग से, है ना। बट ब्रीफ में उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है।
सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स अच्छी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इंसुलेटर्स बिल्कुल नहीं कर रहे, सेमीकंडक्टर्स बीच में है। बहुत बच्चे इसको सीधा सीधा ऐसा कोरिलेट कर लेते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये भी ठीक है, अपने आप में ये कॉन्सेप्ट ठीक है, नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। मेटल्स हमेशा जनरली अच्छे कंडक्टर होंगे, नॉन मेटल हमेशा इंसुलेटर होंगे, और मेटलॉइड्स हमेशा सेमीकंडक्टर्स होंगे। एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर अच्छा कंडक्टर है ना, बात समझ में आ रही है? तो आप जनरली ऐसे भी याद रख सकते हो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, दैट इज फाइन। कंडक्टर्स हम कब कहेंगे? डिफाइन सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज ऑफ 10^4 to 10^7 पर ओम मीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है आपको पता है? सबको पता होना चाहिए, फिजिक्स तो आपने पढ़ा है सबने। यस, रेजिस्टिविटी का उल्टा इज कंडक्टिविटी, वेरी गुड। रेजिस्टिविटी क्या होती है? करेक्ट। जिन बच्चों को एकदम बेसिक कुछ भी नहीं पता या याद नहीं है, उनके लिए थोड़ा रिवीजन करा दूं। रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस ओम में होता है, लेंथ मीटर में होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये जो रो है, ठीक है, ये कैसे होगा? हाँ, ये हो जाएगा आर ए बाय एल, यानी कि ओम मीटर में हो जाएगा। और इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो आपकी बनती है कंडक्टिविटी, है ना? कैपा बोलते हैं इसको, कैपा, कैपा, कैपा। आप लोग के लिखते हो बट एक्चुअली वो ग्रीक वर्ड है कैपा, के जैसा ही दिखता है, कैपा, ठीक है ना? तो ये जो कंडक्टिविटी है, ये किसकी अच्छी होनी चाहिए? ऑब्वियसली कंडक्टर की, है ना? तो फिजिक्स भी आता है मेरे को, थोड़ा थोड़ा काम आता है। तो 10^4 या 10^7 पर ओम मीटर की अगर बात करें तो वो कंडक्टर्स में होता है। All metals and all electrolytes are examples of good conductors. Electrolytes यानी कि ionic solids, NaCl, ionic solid, KBr, ionic solid, है ना? Ions से बने हुए solids अच्छे conductors होते हैं जब उनको dissolve किया जाए। थ्री इडियट्स पहला सीन, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एवरीबडी नोस, है कि नहीं? सो यहां पर मेटल्स तो सबको मालूम ही है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मत भूलना। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? जो आयोनिक सॉलिड्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं NaCl आपको दू नमक और बोलू इसको पानी मत डालो, ये क्रिस्टल को जला जला के बर्न, मतलब गर्म कर करके पिघला दो, मेल्ट कर दो, मोल्टन, तो वो कंडक्टर होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अभी उसमें आयन्स हैं। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट अब आपको ये पता है कि अच्छा आयन्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी तो चार्ज कैरी कर रहे हैं बॉस, है ना? फ्री आयन्स आर द वंस दैट आर अलाउड टू मूव। आयोन्स आर इन द क्रिस्टल, जब वो मेल्ट हो जाए या डिजोल्व हो जाए, जब वो डिसोसिएट हो जाए तो फ्री आयोन्स हो। जब आयोन्स का मूवमेंट होता है ना, तो आपके करंट का भी मूवमेंट होता है सेल के थ्रू। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है इसके आगे, अभी पूरा का पूरा उसी पे डेडिकेटेड है, पूरा चैप्टर इस पे डेडिकेटेड है, उसको अपन बहुत डिटेल में करने वाले हैं, है ना? कि आयन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। जैसे आपका सेल फोन, आपका एक एग्जांपल ले लो, आपका सेल फोन है, वो उसका जो बैटरी है वो आपको कैसे चार्ज देता है आपको फोन को चलाने के लिए? आपकी कार की बैटरी आपको कैसे चार्ज देती है कार को चलाने के लिए, है ना? तो वो फंडे वहां पे यूज होंगे कि भाई आयन्स की जब मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? ऐसा फंडा है। चलो, तो यहां पर भी अच्छा, ये चैप्टर में ना आपको
एक पैराग्राफ या चार लाइन भी नहीं दिया है कंडक्टर्स के बारे में, जबकि इतना बड़ा टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू डील विद कंडक्टर्स एज सच, जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है बोर्ड्स में, डिफाइन सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू, और डिस्क्राइब सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू देयर कंडक्शन अबिलिटीज, या डिस्क्राइब सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डिफेक्ट्स। तो एक शॉर्ट नोट वो बन गया, एक शॉर्ट नोट ये, और आगे एक आएगा डिस्क्राइब सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये तीन शॉर्ट नोट्स ही आते हैं बस। इंसुलेटर्स सेकेंड टाइप्स एकदम बकवास, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो रेंज में होगी, 10^-10 और 10^-20 के बीच में, ठीक है। ये उसकी कंडक्टिविटी की रेंज होगी। कंडक्टिविटी की रेंज याद कर लेना, ये केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगी, फिजिक्स में तो और ज्यादा काम आएगी। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट? एक्सेप्ट ग्राफाइट, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर्स, आपको पता ही है सेमीकंडक्टर्स जो वो जनरली मेटलॉइड्स की कैटेगरी में होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटीज हैं वो 10^4 से लेकर 10^-6 तक के बीच में रेंज में होती है, ठीक है। जनरली मेटलॉइड्स लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सिलिकॉन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस है ना, आप सबने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा स्कूल में या इवन फिजिक्स में पढ़ा होगा। सिलिकॉन को हम लोग सोलार पैनल्स और सोलार सेल्स में बहुत यूज करते हैं, सबको मालूम है ना, राइट। Those semiconductors are used as part of that. और semiconductors सबसे ज्यादा कहाँ यूज होते हैं? Microchips, यानी कि integrated circuits, very good. हम लोग जिनको IC chips या integrated circuits बोलते हैं, आपका पूरा का पूरा जो फोन का फंडा है, iPhone हो या आपके Android फोन हो, जो भी आपके फोन के फंडे हैं, या कोई भी रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस, वो चिप, करेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो माइक्रोचिप जिसको बोलते हैं, वो सिलिकॉन से बना होता है बेसिकली, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर्स से बना होता है, ठीक है। अब फिजिक्स में तो आप इसको बहुत डिटेल में करोगे, आप पीएनपी टाइप, एनपीएन टाइप, है ना, हाउ द कंडक्टर्स आर अरेंज्ड, उनकी उनकी कंडक्शन किस तरह से की जाती है, डोपिंग कैसे किया जाता है, बहुत कुछ है उसमें, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरा चैप्टर डेडिकेटेड। यहाँ पर आपको सिंपल ये समझना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, और ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो कि भाई पहले ये कंडक्टर नहीं थे और आगे जाके ये कंडक्टर बन गए, सेमी है ना हाफ, तो ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हुआ ये समझना है आपको। तो यहाँ पर एक जो थियोरी है which will help us to understand the idea of conduction is called the band theory. Earlier they used to call it the valence band theory, but they changed the name to band theory is because valence bond theory अपन ने किया ना VBT, chemical bonding में, तो confused होते थे बच्चे, तो band theory बोलने का, ठीक है, valence word निकाल देना, band, हाँ band theory बोलेंगे। अब जरा इसको simplify करके समझते हैं बच्चों, बहुत easy है, ध्यान से सुनना, बहुत easy है। मैं आपको एक इजी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाता हूं। थिंक ऑफ इट दिस वे, there is a area, there is an area here that represents the various bands that are present in the metal. What are the bands that are present in the metal? Try and understand. There are two bands, one is called the valence band and one is called the conduction band. Do band kaun se hote hai pehle samajhna, kya bola maine, pehla band kaun sa hota hai, valence band, aur dusra hota hai kaun sa, कंडक्शन बैंड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली एक मेटल में प्रेजेंट है, एक मेटल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो वो उसके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। जिसे आपको और सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो, जैसे आप ग्राउंड स्टेट मानते हो ना कि ओरिजिनल पोजीशन कैसी होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है ना, वैसे आप मान लो कि ओरिजिनली जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते थे कॉन्फिगरेशन में, उसी को आप समझ लो कि भाई अब मैं बोल रहा हूं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
जब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करना है तो उसको वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, ऐसे समझते। देखो सपोज मैं बोलता हूं कि इस तरह से आप देख सकते हो, ये जो येलो में मैं बना रहा हूं ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये जो मैं ब्लू में बना रहा हूं ये आपका वैलेंस बैंड, समझ लो। यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जगह जो है वो बहुत ही गैप है, वो बहुत ही कम है, समझ रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली वैलेंस बैंड में था, उसको जंप मार के कंडक्शन बैंड में जाना है, तो बहुत ही छोटा सा एनर्जी गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कहां था? वैलेंस बैंड में था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आई हैव नॉट मेड द क्रिस्टल, दिस इज जस्ट शोइंग यू कि बैंड्स के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है। दिस इज जस्ट अ रफ डायग्राम दैट आई एम शोइंग यू जस्ट टू शो कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, बाद में कहां जाने वाला। इलेक्ट्रॉन पहले कहां एग्जिस्ट करता था बच्चों? वो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता था। उसको किधर जाना है? उसको कंडक्शन बैंड में जाना है। जब एनर्जी गैप कम होगा तो वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जाएगा, बोलो हां कि ना। और एनर्जी गैप जब बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी गैप जब बहुत ही ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, तब कितना भी उसको आप ट्राई करो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बस इतना सिंपल हो गया। तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये तीनों डायग्राम में से कंडक्टर कौन, पहला वाला, दूसरा कौन सा, सेमी कंडक्टर। वेरी गुड, देखो कितना ईजी हो गया, बस ये डायग्रामेटिक से सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। और तीसरा वाला इंसुलेटर, इंसुलेटर में वैलेंस से वो कंडक्शन में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, सीधी बात है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड थियरी। अब कितना भी घुमा फिरा के आपको मैं थियरी थियोरेटिकली समझाऊं, ये डायग्राम सबसे आसान तरीका है समझने का, अग्री करते हो, है ना? तो यहां पर आप देखो तो ये एनर्जी गैप आपका थोड़ा मीडियम है, और ये आपकी वैलेंस बैंड है, और ये आपकी कंडक्शन बैंड है। बस ऐसे आपको फंडा याद रखना है। एक बार ये फंडा समझ गया तो फटाफट आप थियरी को कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द बैंड थियरी। अ बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स ही हो गए ना, ठीक है। अब प्लीज इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर मत घुसाना, नहीं तो फालतू में कंफ्यूज हो। बैंड मतलब एनर्जी का एक लेवल, ऐसा मान लो। थोड़ा जैसे ग्राउंड स्टेट में वो ओरिजिनली वैलेंस बैंड में था, तो कंडक्शन स्टेट जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कंडक्शन में चला जाता है, ऐसे सिंपल अपने दिमाग में बिठा लेना आसानी से, ठीक है। बैंड फॉर्मेशन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब में मत घुसना, खाली फॉर कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको एमओटी वैसे डिटेल में सिखाई है, ठीक है ना, सिग्मा सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार क्या होता है वगैरह, वो सारा हमने किया, बट यहां पर उसमें मत घुसना, फालतू में कंफ्यूज हो गए। सीधा आ जाओ इधर कंडक्शन बैंड में। हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। इंपॉर्टेंट मार्क डेफिनेशन, जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठते हैं, है ना, जैसा हम लोग ऑक्सीजन वगैरह में किए थे ना, पाई स्टार सबसे ऊपर वाला, सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां तक आपने इलेक्ट्रॉन भरे थे वो आपका कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, वो अलग बात है। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड, ऑब्वियसली इसीलिए कंडक्शन में हेल्प करते हैं, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल।
वैलेंस बैंड क्या होता है भाई? लोअर एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. ऑफकोर्स जो नीचे वाले बैंड है वो तो न्यूक्लियस से नजदीक है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पकड़ के रखता है. यही फंडा तो हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी तो लगाया था हमने, ठीक है. बैंड गैप है ना, एनर्जी गैप, जिसको मैंने क्या बोला था, एनर्जी गैप. बैंड गैप को मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या नाम से बताया, एनर्जी गैप. सेम बात होगी, ठीक है. तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड बैंड गैप, और पहले हम लोग उसको एनर्जी गैप भी बोलते थे. साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड्स वेदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड टू द कंडक्शन बैंड और नॉट, है ना. When band gap is too large, ध्यान से देखना, when the energy gap is too large, when the energy gap is too large to promote the electrons by thermal energy, it is called forbidden zone. तो किसमें दिखेगा आपको forbidden zone? Insulators में. बहुत बड़ा gap है, इतना बड़ा गैप है कि थोड़ा सा हीट करने पे उसको नहीं भेजा जा सकता. इवन सेमीकंडक्टर्स में भी सिर्फ हीट करके वो कंडक्ट करना चालू कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है बॉस. आपको केमिकली उसके अंदर डोपिंग करनी पड़ती है, यानी इंप्योरिटी डालनी पड़ती है. डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी है ना, वो वाली डोपिंग नहीं जो अर्नब गोस्वामी चिल्लाते रहता टीवी पे, वो नहीं, वो ड्रग्स वाली डोपिंग, ठीक है. टॉपिक से याद है आप लोगों ने उसका पढ़ा, सुशील कुमार पकड़ा गया मर्डर चार्जेस में. सोचो हमारे देश का ओलंपिक मेडलिस्ट पद्म भूषण, क्या क्या करती रहती पब्लिक यार, नाम खराब कर दिया. मैं डोपिंग पे आऊंगा डिटेल में समझाऊंगा. पहले ये समझो कि अगर सिर्फ थर्मल एनर्जी से, यानी हल्का से हीट करने से इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग फॉरबिडन जोन बोल देंगे. बैंड जब बहुत छोटा होगा, गैप थोड़ा छोटा होगा, तो ये आसानी से जा सकता है, आसानी से ये प्रमोट हो सकता है. बैंड गैप वैल्यूज ऑफ सर्टन सॉलिड्स आर शोन. यू कैन क्लियरली सी कि बैंड गैप वैल्यू ऑफ डायमंड इज द हाइएस्ट. कैन यू सी दैट, है ना, 5.47. This value is in electron volts, by the way. The unit is electron volts. It is electron volts. ठीक है. सोडियम का जीरो है, तो सोडियम अच्छा मेटल है, बहुत ही हाईली मेटालिक है, फटाक से कंडक्ट कर देगा, वैसा फंडा है ना. तो बैंड गैप है ही नहीं समझो सोडियम. जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है तो समवेयर इन बिटवीन, सिलिकॉन समवेयर इन बिटवीन. तो जो अच्छा मेटल है उसका क्लोज टू जीरो होगा, जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता उसका बहुत ही हाई रेंज में होगा, 4, 5, 6, और जो सेमीकंडक्टर्स उनका 1, 0.5, 1, ऐसे ये रेंज में होगा. मेटल्स, अब ये थोड़ा बहुत पकाऊ पार्ट है, इसको आप रीड करो क्योंकि इसमें जनरल प्रॉपर्टीज समझाई है जो मैं आपको हजार बार ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में भी समझा चुका हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी समझा चुका हूँ कि मेटल्स में गुड कंडक्टर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से सब शेल्स होते हैं वगैरह, ठीक है. तो जस्ट यू कैन रीड, जस्ट रीड दैट एंटायर पार्ट, ठीक है. इनफैक्ट ये वाला मैंने आपको ये बताया भी था कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये चैप्टर शुरू किया था तब ये बताया था कि मेटालिक सॉलिड्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कर्नल ऑफ मेटल्स, ये वर्ड मैंने यूज किया था खास, कर्नल ऑफ मेटल्स विथ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वर्ड यूज किया था, ठीक है. तो उस तरह से आप ये रीड कर लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर आपको डोपिंग का फंडा भी समझाऊंगा. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एग्जाम्पल्स. इसमें कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड एनर्जी गैप इज स्मॉलर देन दैट इन एन इंसुलेटर. ऑब्वियस,
इंसुलेटर के कंपैरिजन में इनका एनर्जी गैप कैसा है, कम है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि आपके पास यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, वैलेंस बैंड में, चेक करो वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बट कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है। देख सकते हो आप लोग डायग्राम में बच्चों, कंडक्शन बैंड कैसा है, पूरा का पूरा खाली है, यहां पे आपको दिख रहा है एम्प्टी, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी गैप है, आपको करना क्या, आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जंप करवाना है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो ये कंडक्शन करने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रैक्टिकली सोच, ये मेरा फोन है तो ऐसा क्यों है कि इसको मैं, जब इसकी बैटरी की बात कर रहा हूँ या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के यूसेज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सेमीकंडक्टर ही चाहिए, क्यों मैं कंडक्टर क्यों नहीं डाल सकता इसमें? हीट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ हीट। आप सबके साथ ये हुआ होगा, कभी पबजी खेल रहे हो, फोन बहुत गर्म हो जाता है, हुआ है ना गेमर लोगों को पता होगा, जब आप हाई ग्राफिक्स, उसकी ग्राफिक सेटिंग्स हाई कर दो, है ना, 1440 या 1080 पे खेल रहे हो अगर आप, तो आपका फोन गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेमीकंडक्टर की जो चिप है, ठीक है ना, जो आपके फोन का प्रोसेसर, जिसको आप बोलते हो प्रोसेसर, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं, जैसे आईफोन वाला बोलता है मेरे पास A12Z बायोनिक चिप है, A14 बायोनिक चिप है, एंड्रॉयड वाला बोलता है मेरे पास स्नैपड्रैगन चिप है, वो प्रोसेसर, वही बेसिकली सेमीकंडक्टर है टेक्निकली स्पीक। पहले तो सिंप्लीफाइड भाषा में समझो, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ, आपको मालूम है बच्चों। तो जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब मेरा फोन काम कर रहा है बहुत सारा, मैं हैवी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ फोन पे, गेम खेल रहा हूँ, ग्राफिक्स खेल रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके साथ होता है, आप कैमरा बहुत यूज करते हो, इमेज एडिटिंग करते हो, तब भी होता है, तब वो फोन गर्म होता है। क्यों? क्योंकि अब वो सेमीकंडक्टर एक मेटल की तरह धड़ाधड़ कंडक्शन कर रहा है और वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसलिए कूलिंग पैड्स लगाते हैं वो लोग फोन में, कोई कोई जो गेमर फोन होते हैं, रोग ROG जो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स फोन आता है, उसमें पीछे फैन लगा के देते हैं वो लोग आजकल, ठीक है, अलग से अटैचमेंट होती है। ये क्यों है ये फंडा, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए हम ये एनर्जी गैप को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप मारे कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फटाफट जाए, जितना अच्छे से वो जाएंगे उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, करेक्ट, वाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर डाउन, वाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर। आइडियली हमें चाहिए कि कंडक्शन हमारा बेस्ट हो सके, यानी फोन हमारा फास्ट काम करे लेकिन गर्म ना हो, यही पूरा फंडा है ना। तो जब आप लोग इंजीनियर्स बन जाओगे, जब आगे रिसर्च में जाओगे, तो आपकी, जैसे अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, सॉफ्टवेयर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, किसी में भी जा रहे हो आप, मैकेनिकल, तो आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो किस बेसिस पे काम करी, बस कि आपको प्रैक्टिकली जो जो मटेरियल आप बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, उसको ऐसा डिजाइन करना है कि उसकी एफिशिएंसी हाई रहे पर उसकी हीटिंग लो रहे, और उस समय आप ये बहुत अप्लाई करने वाले हो, इतना याद रखना। आई होप ये समझ में आया प्रैक्टिकली कहां अप्लाई होता है। अब जरा थियोरेटिकली समझते हैं। The electrons in the conduction band are free. तो आप लोग ये तो बता दिया ऑलरेडी। अगर ये एनर्जी गैप छोटा है, बहुत इतना छोटा है कि सिर्फ थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देकर जंप कर सके, ठीक है, few electrons in the valence band have enough thermal energy to jump through the small band gap and occupy conduction band. ऐसे केस में जो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हल्की सी थर्मल एनर्जी उनको मिल जाए, कहीं से गर्मी मिल जाए, फटाक से वो जंप करके कंडक्शन करने लग जाते, राइट, इट कंडक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे केस में ध्यान से बहुत सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है शुरू में, एक बार क्लियर कर दूंगा तो अच्छे से आ जाएगा। जब बिना कोई इंप्योरिटी डाले, सेंटेंस को ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करता हूं,
विदाउट एडिंग एनी इंप्योरिटी, विदाउट एनी डोपिंग. इंप्योरिटी एड करने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? डोपिंग, DOPING. विदाउट डोपिंग खुद से ही सेमीकंडक्टर अगर थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाए तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे. क्या इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है? नहीं, बट थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी स्पेशल मटेरियल एडेड टू इट. क्या ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत छोटा था, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिली तो इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू किया. पर क्या बहुत अच्छी तरह कर पाया? नहीं, थोड़ा थोड़ा कर पाया. और ऐसे केस में कंडक्टर से थोड़ा बड़ा, रे बाबा, कंडक्टर से थोड़ा बड़ा एनर्जी गैप था, बट इतना था कि थर्मल एनर्जी से वो जा पाए, मतलब सिर्फ हीट करने से जा पाए. अच्छा, अगर हीट करने से इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है वैलेंस से कंडक्शन में, तो ऐसे केस में इस मटेरियल का कंडक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ना चाहिए. बराबर बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? पर आपके फोन्स में, मैं आपको फोन का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इसमें यूज होते हैं पूरी दुनिया में. आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर आपके फोन बनाने में. आपका फोन जब गर्म होता है तो स्लो हो जाता है कि फास्ट होता है? स्लो हो जाता है. उसको हम लोग, जो गेमर लोग हैं उनको पता होगा, उसको हम लोग थ्रॉटलिंग बोलते हैं, है ना? कि आपका फोन पीक परफॉर्मेंस पहुंच गया, अब वो थ्रॉटल हो गया, अब वो नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं. हाँ, फिर कम होने लगता परफॉर्मेंस. आप अनटूटू स्कोर निकालो या उसका बेंचमार्क स्कोर निकालो गीक बेंच का, तो भी कम आएगा. जिनको ये सब चाइनीज साउंड कर रहा है, डोंट वरी, ठीक है, ये सब गेमर टर्म्स है या गीक टर्म्स है. खैर, मेन बात यह है कि जनरली हमें यह पढ़ाया जाता है और जो सही भी है कि मेटल्स में टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी. बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना बच्चों. इन मेटल्स द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. क्या यह बात क्लियर है? यानी गर्म वायर से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ये क्लियर बताया गया है फिजिक्स में, प्रूफ भी किया गया है, ठीक है. सर्टन सेमीकंडक्टर्स विच आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो मैंने बताया, जिनको डोपिंग की जरूरत है कि नहीं है, जिनको डोपिंग की जरूरत नहीं है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. क्योंकि क्या हुआ, आपने उसको थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मारा. क्या ये बात दिमाग में चली गई सबके? सिंपल, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो जैसे वो आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की बात करते थे ना, बस वैसे यहां पे भी हुआ. यहां पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है. ऐसे किसमें होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ज्यादा होता है. एक्सट्रिंसिक वाला जो सेमीकंडक्टर आएगा, वहां पर टेम्परेचर से उतना फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि हीट देने पे या थर्मल एनर्जी देने पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे. तो कैसे जाएंगे भाई? तो केमिकल प्रोसेस से जाएंगे. कैसे केमिकल प्रोसेस से? कोई एक खास इंप्योरिटी, स्पेशल इंप्योरिटी लेके आओ और उस सेमीकंडक्टर में डालो. वो इंप्योरिटी लाके उस सेमीकंडक्टर में डालने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. The process of addition of minute quantity of impurities to a semiconductor to increase its conductivity, it's called doping, and the impurity is called the dopant. Impurity is called dopant. तो आपने जो impurity लाई, किस लिए लाई? उसके conduction को बढ़ाने के लिए लाई. उस impurity को आप कहोगे dopant, और process of adding the impurity को आप कहोगे doping. क्या ये बात क्लियर हुई? और काफी सिंपल है. अब डोपिंग में दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप. एन टाइप एंड पी टाइप. नाउ एज आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी इन डेप्थ इनटू दिस, बिकॉज केमिस्ट्री में हमको इतना ये डिटेल में नहीं करना है.
आपको फिजिक्स में करना होता है, उसमें तो कॉम्बिनेशन भी बनते हैं, NPN, PNP, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड ऑल. बट स्टिल आई विल गिव यू द बेसिक आइडिया जस्ट सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट व्हेन यू रीड दिस चैप्टर. एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया, ठीक है, बहुत आसान, ध्यान से सुनना जरा. आपको मैंने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ाया सबको, आई होप सबको याद होगा. सिलिकॉन का नंबर, सिलिकॉन का नंबर 14, बोरॉन का नंबर 5. बोरॉन के बाद क्या आता है? बोरॉन के बाद बैंगन, आलू. बोरॉन के बाद नीचे एल्यूमिनियम. सिलिकॉन के राइट साइड पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. यस नंबर्स. सिलिकॉन यहाँ नीचे आएगा, सॉरी माय बैड. यहाँ पे 15, यहाँ पे 33, यहाँ पे कार्बन. हम बात कर रहे हैं हमारा मेन सेमीकंडक्टर कौन? सिलिकॉन. ठीक है, कोई आपसे पूछेगा सिलिकॉन तो मतलब मैं नहीं, बैड जोक है ना. ठीक है, सो सिलिकॉन का नंबर है 14. आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4. 2, 8, 4. बोरॉन में कितने? 3, है ना. आर्सेनिक में कितने? 5. ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा ये फंडे समझ में आ जाएंगे. अगर मेरे पास सिलिकॉन से बनाया हुआ एक क्रिस्टल है, क्या बोला मैंने? सिलिकॉन से बनाया हुआ पूरा एक क्रिस्टल है. फॉर एग्जांपल, हर एक के पास 4-4-4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, बोलो हाँ कि ना. सबको ये क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूं. अच्छा, आई एम गिविंग यू द ओवर सिंपलीफाइड वर्जन, आई एम नॉट गिविंग यू द वर्जन दैट फिजिक्स के डिटेल्स में आप जब जाओगे थोड़ा और डेप्थ में पढ़ोगे अलग तरीके से. मैं आपको केमिस्ट्री वाला वर्जन दे रहा हूं, समझ में आएगा ये गारंटी है मेरी, टेंशन मत लो. समझो इसमें से एक मैं गायब कर देता हूं, और ये गायब करने के बाद ध्यान से सुनना, If I remove one from here and I remove one from here, in the first instance I add boron here. What do I add? I add boron, and I add boron which has 3 electrons in the outer most shell. चार चाहिए थे, तीन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. दूसरा ऑप्शन मेरे पास था, मैंने यहां पर आर्सेनिक डाला, पर आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया. समझ में आए? जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ओवरऑल. समझ में आए? तो इसको मैं बोलूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको मैं बोलूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. कितना इजी, बोलो हाँ कि ना. यानी आप ग्रुप 14 का कोई एक सेमीकंडक्टर उठाओ, कोई एक मेटलॉइड उठाओ, जो जनरली कॉमनली सबसे सिलिकॉन ही होता है, या कभी कभी जर्मेनियम भी ले लेते हैं लोग, ठीक है, बट सिलिकॉन ही 99% केसेस में होता है. और उसमें आप ग्रुप 13 का कुछ डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या ग्रुप 15 का कुछ डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा. बस उसी को आप पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप, यानी पी टाइप और एन टाइप बोलो. क्या ये बात समझ में आई? और ये जो प्रोसेस था बच्चों, बोरॉन डालने का या आर्सेनिक डालने का जो प्रोसेस था, क्या मैं इसको डोपिंग बोल सकता हूं? हाँ,
यही तो है डोपिंग, क्योंकि बाहर से लाके कुछ इंप्योरिटी डाली ना, क्या वो इंप्योरिटी डालने के बाद नए टाइप का कुछ बना, पी टाइप एन टाइप, बस यही फंडा है, ये फंडा है। तो एन टाइप पी टाइप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब जैसा मैंने कहा कि ज्यादा डिटेल भी नहीं जाते, सिंपल सिंपल कर लेते हैं। एन टाइप कब बोलेंगे भाई, तो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब। कब होगा ये, कॉमन सेंस लगाओ जरा। जब हम लोग ग्रुप 15 का एलिमेंट ग्रुप 14 के एलिमेंट को, ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर को ऐड करेंगे, अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब सिलिकॉन में आर्सेनिक डालूंगा तो एन टाइप बनेगा। देख सकते हो आप सामने, चार वाले में पांच वाला डाल दिया, एक एक्स्ट्रा डाला तो एन टाइप बना, सही है। जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है उसको ये बहुत आसानी से समझेगा। एग्जांपल देख लो, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद फॉस्फरस। अच्छा, आर्सेनिक की जगह फॉस्फरस भी डालते तो क्या फर्क पड़ता, पांच इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो उन्होंने एक अगेन बहुत ही डिफिकल्ट सा डायग्राम, आप देख सकते हो, बाप रे बहुत डिफिकल्ट डायग्राम। ये जो ब्लू कलर में जो स्फीयर बनाए हुए सिलिकॉन है, बीच में एक फॉस्फरस बनाया हुआ है कि नहीं, ये डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है। सेम वे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस बाय डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम विद इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 14 वाले में ग्रुप 13 डाला तो पी टाइप, ग्रुप 15 डाला तो एन टाइप। इसमें जो खाली जगह बचती है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। जो P है पॉजिटिव है, वो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं P, P यानी कि इलेक्ट्रॉन होल। वर्ड क्या यूज करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है, उस तरह से। एग्जांपल प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल समझा दिया। अगेन ये जो इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। एन टाइप वाले में डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद फॉस्फरस, ग्रुप 15 टू ग्रुप 14 ऐड किया तो एन टाइप, ग्रुप 13 टू ग्रुप 14 ऐड किया तो पी टाइप। इनको हम लोग एक्सट्रिंसिक में ही गिनेंगे। इंट्रिंसिक मतलब जिसको डोपिंग की जरूरत ही नहीं थी, जिसको डोपिंग की जरूरत पड़ी वो एक्सट्रिंसिक। मटीरियल ओवरऑल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क करके रखना बच्चों। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, जब होल है उसमें, या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, तो कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा, है ना, कि अगर मैंने फॉस्फरस डाला तो पांच इलेक्ट्रॉन आ गए, या मैंने बोरॉन डाला तो तीन इलेक्ट्रॉन हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। देखो फंडा क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का एक होल क्रिएट हुआ या एक जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, वो कॉन्स्टेंटली अपनी जगह चेंज करते रहेगा और फिर वो कंडक्शन में यूज हो जाएगा, इट विल नॉट रिमेन इन द क्रिस्टल, दैट डिफेक्ट इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन द क्रिस्टल। दैट डिफेक्ट नहीं बोल सकते, डिफेक्ट गलत वर्ड हो गया, दैट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट गोइंग टू रिमेन एज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, इसलिए तो वो कंडक्शन कर रहा है ना, वो चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस आया है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इंबैलेंस आया, टू गेट रिड ऑफ इट फास्ट, तो इसलिए वो फास्ट 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 किया। जैसे मैंने एग्जांपल बोला ना कि वो इलेक्ट्रॉन होल है वो चेंज होते जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करते करते कंडक्शन करेगा, या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करते करते कंडक्शन करेगा, तो ये ओवरऑल जो है वो जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। एज आई सेड, इसका डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो फिलहाल इसमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। आखिरी चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, एमओटी में भी मैंने सिखाया था आपको कि सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, या सॉलिड्स यानी कि इन जनरल मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो कौन सी होती है बच्चों, अब बताओ मुझे। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में ऑल पेयर्ड,
पैरामैग्नेटिक में फ्यू अनपेयर्ड और फेरोमैग्नेटिक में मैनी अनपेयर्ड। सिंपल भाषा, दीज आर वीकली रिपेल्ड इन द इलेक्ट्रिक इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वीकली अट्रैक्टेड एंड दिस इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। ठीक है, एमओटी में मैं तो आपको शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि जो इवन नंबर वाले या ऑड नंबर वाले उनको कैसे करना है, एक्सेप्ट नंबर 16 एंड 10। नंबर 16 था ऑक्सीजन का, नंबर 10 था बोरॉन का। वो दोनों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेयर्ड होंगे बट डायमैग्नेटिक होंगे, बट वो पैरामैग्नेटिक निकलते। उसके अलावा तो बहुत ही सिंपल था, सारे ऑड नंबर वाले पैरामैग्नेटिक, सारे इवन नंबर वाले डायमैग्नेटिक। ये भी फंडा किया था हमने, खास करके ऑक्सीजन को एमओटी में प्रूव करके दिखाया था मैंने कि आप लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि वो डाया होना चाहिए बट वो एक्चुअली पैरामैग्नेटिक निकलता है O2 मॉलिक्यूल। ये सारे हमने डिटेल में किए। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो है आई वुड वांट यू टू जस्ट रीड थ्रू, ठीक है, जस्ट रीड थ्रू दिस। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, डेफिनेटली आता है, बट वो ज्यादा करके आपको सिर्फ डिफाइन करने के लिए आता है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन जो है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। डाई मैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेज विद ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, दे आर कॉल्ड डाई मैग्नेटिक। एग्जाम्पल N2, F2, H2O, बेंजीन। पैरामैग्नेटिक में few unpaired electrons weakly attracted by magnetic field are called paramagnetic. Example oxygen, Cu2+, Fe3+, Cr3+, example paramagnetic hai. And ferromagnetic, large number of unpaired electrons attracted strongly by magnetic field are called ferromagnetic. Example iron, cobalt, nickel and gadolinium. Gd is what? Gd is gadolinium. ये आपने शायद पहली बार सुना होगा बहुत बच्चों ने, गैडोलिनियम। ओके, इस तरह से आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं। सो दैट कंक्लूड्स द एंटायर थियोरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर। ओके बच्चों।